नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर एम डी साठे तुमचं सहर्ष स्वागत करतो आजच्या या इंडस्ट्रियल एसी मशीनच्या 46व्या लेक्चरमध्ये। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये सिंक्रोनस मोटरला स्टार्ट करण्याचे काही मेथड्स पाहिले होते, त्यामध्ये चार मेथड्स पाहिले आपण। फर्स्ट वन डी सी मोटर मेथड, सेकंड वन इज दी पोनी मोटर मेथड, थर्ड वन इज दी डॅम्पर वाइंडिंग मेथड, फोर्थ वन इज दी starting as a slip ring induction motor. So these four methods we have discussed in the last lecture, right? Now in today's lecture we are going to discuss about the V curves and inverted V curves of the synchronous motor. आता याच्या नावातच तुम्हाला त्याचा मीनिंग समजला असेल, V curve आणि inverted V curve. V म्हणजे V shape चे curve मिळतात आपल्याला, ठीक आहे, त्यामुळे व्ही कर्व नाव दिलेलं आहे। आणि हे इन्व्हर्टेड व्ही कर्व आहे, ते उलटा व्ही जसा असतो तशा शेप मध्ये असतात म्हणून त्याला इन्व्हर्टेड व्ही कर्व म्हटले, ठीक आहे। मग व्ही कर्व म्हणजे काय? तर इथं ह्या डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसत आहे, आपण वाय ऍक्सिस वरती एसी आर्मेचर करंट पर फेज ची व्हॅल्यू दाखवलेली आणि एक्स ऍक्सिस वरती आपण डीसी चा फील्ड करंट दाखवलेला आहे, ठीक आहे। इकडे एसी चा आर्मेचर करंट पर फेज ची व्हॅल्यू आणि इकडे डीसी चा फील्ड करंट दाखवलेला, ठीक आहे। आणि याच्यामध्ये वेगवेगळ्या लोड साठी तिथला आपण व्ही कर्व प्लॉट केलेला आहे, ठीक आहे। म्हणजे सुरुवातीला नो लोड कंडिशन आहे, नंतर हाफ लोड कंडिशन आहे आणि नंतर फुल लोड कंडिशन, ठीक आहे। अशा तीन कंडिशन साठी इथं व्ही कर्व दाखवलेले, ठीक आहे। व्ही कर्व म्हणजे काय ते पाहू आपण सुरुवातीला। तर मॅग्निट्यूड ऑफ आर्मेचर करंट व्हॅरीज विथ एक्सायटेशन, जो मॅग्निट्यूड होता है आपण क्या आर्मेचर करंट का, वो व्हॅरी होता है एक्साइटेशन, एक्साइटेशन जैसे जैसे व्हॅरी होगा वैसे आपका मॅग्निट्यूड जो रहेगा आर्मेचर करंट का वो व्हॅरी होगा, ठीक है। एक्साइटेशन मीन्स जहां पे हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम एक्साइटेशन बोलते हैं। और अपने को मालूम है सिंक्रोनस मोटर में भी हम फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देते हैं, यानी इसको डीसी एक्साइटेशन देते हैं। तो जैसे जैसे आपका एक्साइटेशन वैरी होगा वैसे वैसे आपका आर्मेचर करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपके यहाँ पे वैरी होगा, ठीक है। सो द करंट हैज लार्ज वैल्यू फॉर बोथ फॉर लो एंड हाई वैल्यूज ऑफ द एक्साइटेशन। जो करंट है उसकी वैल्यू लार्ज रहेगी, किसके लिए लार्ज रहेगी? लो एंड हाई वैल्यूज ऑफ द एक्साइटेशन के लिए, ठीक है। करंट की वैल्यू भी लार्ज रहेगी दोनों के लिए, लो एंड हाई वैल्यूज ऑफ एक्साइटेशन के लिए करंट की वैल्यू वहां पे लार्ज होगी, ठीक है। दो इट इज लैगिंग फॉर लो एक्साइटेशन, हमें मालूम है कि लो एक्साइटेशन के लिए वहां का करंट लैगिंग में होता है एंड हायर एक्साइटेशन के लिए वहां का करंट लीडिंग में होता है, ठीक है। म्हणजे तिथला पॉवर फॅक्टर हा लो एक्साइटेशन साठी लॅगिंग मध्ये असणार आहे आणि हायर एक्साइटेशन म्हणजे ओव्हर एक्साइटेशन साठी हा लीडिंग मध्ये असतो, ठीक आहे। आपण तीन कंडिशन ऑलरेडी पाहिलेले, ठीक आहे। नॉर्मल एक्साइटेशन ज्याच्यामध्ये ईबी ची व्हॅल्यू व्ही च्या इक्वल मध्ये असते, नंतर ईबी ची व्हॅल्यू जर लेस दॅन व्ही असेल तर ते असतं आपलं अंडर एक्साइटेशनची कंडिशन, आणि ईबी ची व्हॅल्यू जर ग्रेटर दॅन व्ही असेल तर ते असतं आपलं ओव्हर एक्साइटेशन, ठीक आहे। ऑलरेडी कंडिशन आपण डिस्कस केलेले आहे, ठीक आहे। तर आपण पहिल्या पॉइंट मध्ये काय सांगितलं की जे मॅग्निट्यूड आहे आर्मेचर करंट पर फेज ते व्हॅरी होत असतं तिथल्या एक्साइटेशन सोबत, ठीक आहे। म्हणजे डीसी फील्ड करंट जर चेंज झाला तर ऑटोमॅटिकली आपला एसी आर्मेचर करंट पर फेज याचं जे मॅग्निट्यूड आहे ते सुद्धा व्हॅरी होणार आहे। आणि करंटची व्हॅल्यू ही लार्ज असणार आहे तिथल्या दोन्ही एक्साइटेशन साठी, म्हणजेच लो आणि हाय व्हॅल्यूचं जे एक्साइटेशन आहे त्याच्यासाठी करंटची व्हॅल्यू ही लार्जेस्ट असणार आहे। भलेही आपला करंट हा लो एक्साइटेशन साठी म्हणजे अंडर एक्साइटेशन साठी लॅगिंग मध्ये असेल आणि ओव्हर एक्साइटेशन साठी तो लीडिंग मध्ये असेल। सो इन बिटवीन इट हॅज अ मिनिमम व्हॅल्यू करस्पॉन्डिंग टू अ सर्टन एक्साइटेशन, आणि त्यामध्ये त्याची मिनिमम व्हॅल्यू असते तिथल्या करस्पॉन्डिंग सर्टन एक्साइटेशन साठी। सो द व्हेरिएशन ऑफ आय विथ एक्साइटेशन आर शोन इन दिस फिगर, ठीक है। जो वेरिएशन है आपका आय का एक्साइटेशन से, ठीक है, यानी आपका आर्मेचर करंट है और एक्साइटेशन यानी आपका डीसी फील्ड करंट है।
तो जो वेरिएशन है आर्मेचर करंट का इसी आर्मेचर करंट का वहां के एक्साइटेशन से, ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं वी कर्व। ठीक है, इसका शेप वी जैसा दिखता है तो इसकी वजह से इसको नाम दिया है वी कर्व। सो विच आर नोन एज वी कर्व बिकॉज ऑफ देयर शेप। क्लियर है? तो यहां पे आपको दिख रहा है कि नो लोड कंडीशन के लिए ये आपका वी कर्व है, ठीक है, बाद में ये हाफ लोड कंडीशन के लिए वी कर्व है और ये फुल लोड कंडीशन के लिए वी कर्व। वहां का पावर फैक्टर अगर देखेंगे हम तो ये यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर है और यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर है। ठीक है, तो लैगिंग पावर फैक्टर है यानी आपका वहां पे एक तो लो एक्साइटेशन रहेगा या फिर अंडर एक्साइटेशन जिसको बोलते हैं हम, और लीडिंग पावर फैक्टर कब होगा आपका, जब वहां पे ओवर एक्साइटेशन होगा या फिर वहां पे लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे फिर से ये डॉटेड कर्व्स दिखाए हैं, ये 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग के लिए आएगा, ये ये यूनिटी पावर फैक्टर के लिए है। ठीक है, और ये है डॉटेड आपका 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग के लिए। तो ये है आपका वी कर्व। ठीक है, अभी इन्वर्टेड वी कर्व क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, ये यहां से ही देखो, ये जो तीन कंडीशन लिए हमने 1, 2, 3, ठीक है, ये कर्व से जो पॉइंट लिए है वो उसी से हमने ये इन्वर्टेड वी कर्व प्लॉट किए हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेड वी कर्व किसको बोलते हैं, वहां पे डीसी फील्ड करंट एंड पावर फैक्टर में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तब उसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड वी कर्व। तो ये फुल लोड कंडीशन के लिए ऐसा आता है आपका इन्वर्टेड वी कर्व, ये हाफ लोड कंडीशन के लिए है और ये नो लोड कंडीशन के लिए है। यहाँ पे भी आपका लैगिंग पावर फैक्टर है, लीडिंग पावर फैक्टर है। ठीक है, तो फॉर सेम इनपुट आर्मेचर करंट वेरीज ओवर वाइड रेंज। सेम इनपुट के लिए आपका आर्मेचर करंट वेरी होता है वाइड रेंज के लिए, एंड सो कॉजेज द पावर फैक्टर ऑल्सो टू वेरी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वे वहां पे उसकी वजह से पावर फैक्टर भी आपका वेरी होता है, जैसे जैसे आपका आर्मेचर करंट वहां पे वेरी होता है वाइड रेंज के लिए, वैसे वैसे वहां का पावर फैक्टर भी आपका वेरी होता है अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम इनपुट के लिए। ठीक है, सेम इनपुट साठी आर्मेचर करंट आपला जसा जसा वेरी होईल वाइड रेंज साठी तसा तसा आपला पावर फॅक्टर सुद्धा वेरी होईल त्याच्या अकॉर्डिंगली। ठीक आहे, सो व्हेन ओव्हर एक्साइटेड देन द मोटर रन्स विथ लीडिंग पावर फॅक्टर। जब वहां पे ओव्हर एक्साइटेशन होगा तब मोटर रन होगी आपकी लीडिंग पावर फॅक्टर पे, एंड विथ लैगिंग पावर फॅक्टर व्हेन अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन के लिए वहां का पावर फैक्टर आपका लैगिंग रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। सो इन बिटवीन द पावर फैक्टर इज यूनिटी, इन दोनों के बीच में आपका पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा। ठीक है, तो ये यहां पे दिखाया है, ये यूनिटी पावर फैक्टर। क्लियर है? सो द वेरिएशन ऑफ पावर फैक्टर विद द एक्साइटेशन, जो भी वेरिएशन है पावर फैक्टर का, ये देखो ये पावर फैक्टर वाई एक्सिस पे दिखाया है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डीसी फील्ड करंट दिखाया है, तो ये दोनों में जो वेरिएशन है वो ये ग्राफ में प्लॉट किए हमने, तो उसकी वजह से उसको नाम दिया है इन्वर्टेड वी कर्व। द कर्व फॉर पावर फैक्टर लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड का मीनिंग क्या होता है, उल्टा। ठीक है, इन्वर्टेड मीनिंग का है उल्टा वी। ठीक है, म्हणून त्याला इन्वर्टेड वी कर्व असं नाव दिलेलं आहे। सो इट वुड बी नोटेड दॅट मिनिमम आर्मेचर करंट करस्पॉन्ड्स टू युनिटी पॉवर फॅक्टर। हमें यहाँ पे नोट डाउन करना जरूरी है कि जो मिनिमम आर्मेचर करंट होता है वो करस्पॉन्ड्स टू वहां पे यूनिटी पावर फैक्टर के लिए होता है। ठीक है, मिनिमम आर्मेचर करंट हा करस्पॉन्डिंग मध्ये असतो इथले यूनिटी पावर फैक्टर चो। क्लियर है? तो समझ में आया वी कर्व्स एंड इन्वर्टेड वी कर्व्स क्या होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द पावर फ्लो विद इन अ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर से पावर फ्लो कैसे होता है ये देखना है पॉइंट हमें। सो लेट आर ए इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज। आर ए मालूम है आपको आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज की वैल्यू होती है। एक्सेस आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस पर फेज की वैल्यू है, तो ये छेड़ेस की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं अपन, आर ए प्लस जे ऑफ एक्सेस। ठीक है,
हा इम्पिडन्सचा फॉर्म्युला लिहिता येईल आपल्याला आर प्लस जे ऑफ एक्स असं जनरल मध्ये फॉर्म्युला सांगतो आपण इम्पिडन्स. आणि यावरून आय एच व्हॅल्यू काय काढता येईल मग आपल्याला ई आर डिवायडेड बाय झेड एस. ई आर म्हणजे आपला तिथला रिझल्टंट ई एम एफ असणार आहे, झेड एस म्हणजे आपला तिथला सिंक्रोनस इम्पिडन्स असणार आहे. ठीक, आणि ई आर चा फॉर्म्युला माहितीच आहे आपल्याला, व्ही मायनस ई पी आपण ऑलरेडी हा फॉर्म्युला घेतलेला आणि झेड एस ऍज इट इज ठेवलं आपण. याच्यावरून व्ही चा फॉर्म्युला काय लिहिता येईल मग आपल्याला, ई बी प्लस आय ए झेड एस. ठीक आहे, याला जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर व्ही व्ही ची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला, तर व्ही ची व्हॅल्यू येते आपली ई बी प्लस आय ए झेड एस. सो दी अँगल थीटा नोन ऍज इंटरनल अँगल. थीटाला काय म्हटलंय आपण इथं, इंटरनल अँगल म्हटलंय, बाय विच आय ए लॅग्स बिहाइंड ई आर. ठीक आहे, या अँगल थीटा न आय ए लॅगिंग मध्ये असणार आहे तिथल्या ई आर च्या, अँड इज गिव्हन बाय टॅन थीटा इज इक्वल टू एक्स एक्स एस डिवायडेड बाय आर ए. एक्स एस म्हणजे आपला सिंक्रोनस रिएक्टन्स आणि आर ए म्हणजे आपला आर्मेचर रेझिस्टन्स पर फेज. म्हणून टॅन थीटाचा फॉर्म्युला आपण एक्स एस बाय आर ए घेतलाय. अँड इफ आर ए इज नेग्लिजिबल देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. आर ए ची व्हॅल्यू जर नेग्लिजिबल असेल तर थीटाची व्हॅल्यू किती असेल तिथं, 90 डिग्री. सो मोटर इनपुटचा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, जनरल फॉर्म्युला व्ही आय कॉस फाय म्हणतो आपण. सो व्ही आय ए कॉस फाय पर फेज, हियर व्ही इज द अप्लाइड व्होल्टेज पर फेज. ठीक आहे, सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर मोटर इनपुट. सो टोटल इनपुट फॉर अ स्टार कनेक्टेड थ्री फेज मशीन, स्टार कनेक्टेड थ्री फेज मशीन के लिए टोटल इनपुट का फॉर्म्युला क्या रहेगा, पी इज इक्वल टू रूट थ्री व्ही एल आय एल कॉस फाय. ठीक आहे, हे फॉर्म्युले आपण जसं पॉवर फ्लो डायग्राम आपण थ्री फेज इंडक्शन मोटरची पाहिली, ठीक आहे, नंतर अल्टरनेटरची पाहिली होती, तसेच पॉवर फ्लो डायग्राम आपण ही सिंक्रोनस मोटरची पाहतोय आणि म्हणून हे फॉर्म्युले अतिशय महत्वाचे आहे तिथं. सो टोटल इनपुट पॉवर फॉर स्टार कनेक्टेड थ्री फेज मशीन साठी पॉवरचा फॉर्म्युला काय असेल, पी इज इक्वल टू रूट थ्री व्ही एल आय एल कॉस फाय. द मेकॅनिकल पॉवर डेव्हलप्ड सम वुड गो टू मीट आयन अँड अँड फ्रैक्शन एंड एक्साइटेशन लॉसेस. जो मैकेनिकल पावर वहां पे डेवलप होगी उससे वहां पे आयन एंड फ्रिक्शन लॉसेस एंड एक्साइटेशन लॉसेस होंगे कुछ. ठीक है, हिंस पावर अवेलेबल एट द शॉप वुड बी लेस देन द डेवलप्ड पावर बाय दिस अमाउंट. तो इसकी वजह से पावर जो अवेलेबल होगी आपकी शॉप के ऊपर वो लेस रहेगी ऑलवेज जो पावर वहां पे डेवलप की होगी. ठीक है, सिंक्रोनस मोटर ने जो पावर ओवर डेवलप की होगी वो ले वो पावर जो पावर अवेलेबल है शाफ्ट से वो लेस देन रहेगी जो पावर डेवलप की होगी सिंक्रोनस मोटर ने उससे. ठीक है, समझ लो पावर जी अवेलेबल असणार आहे शाफ्ट वरती ती लेस देन असणार आहे तिथे पावर डेवलप जेवढी केलेली असेल सिंक्रोनस मोटर ना त्याच्यापेक्षा ती लेस देन असणार आहे पावर अवेलेबल शाफ्ट वरती. ठीक है, आणि म्हणून आउट ऑफ इनपुट पॉवर पर फेज व्ही आय ए कॉस फाय अँड द अमाऊंट ऑफ आय ए स्क्वेअर आर ए इज वेस्टेड इन द आर्मेचर. त्यामुळे आउट ऑफ इनपुट पॉवर पर फेज पैकी व्ही आय ए कॉस फाय आणि अमाऊंट आय ए स्क्वेअर आर ए ही वेस्ट होते आर्मेचर मध्ये. आय ए स्क्वेअर आर ए एवढी पॉवर तिथं वेस्ट होते आर्मेचर मध्ये आणि रेस्ट ऑफ द पॉवर मग काय राहील आपली व्ही आय ए कॉस फाय मायनस आय ए टू आर ए. ठीक आहे, रेस्ट ऑफ द पॉवर एवढी राहील आपली. सो अपियर्स एज अ मेकॅनिकल पॉवर इन द रोटर, एवढी पॉवर आपली तिथं अपियर होईल मेकॅनिकल पॉवर असणार आहे तेवढी रोटर मधली. ठीक आहे, सो आउट ऑफ इट आयन फ्रिक्शन अँड एक्साइटेशन लॉसेस आर मीट. त्यामध्ये परत आयन फ्रिक्शन आणि एक्साइटेशन लॉसेस तिथं होतील अँड द रेस्ट इज अवेलेबल ऍट दिस शॉप आणि नंतर रेस्ट ऑफ द पॉवर तिथे अवेलेबल होईल आपल्याला शॉर्ट वर. सो इफ पॉवर इनपुट पर फेज ऑफ द मोटर इज पी देन पॉवर इनपुट पर फेज जी आहे मोटरची ती जर आपण पी गृहीत धरलं तर पी चा फॉर्म्युला काय लिहिता येईल मग आपल्याला पी एम प्लस आय ए स्क्वेअर आर. पी इज इक्वल टू पी एम प्लस आय ए स्क्वेअर आर. ठीक आहे, तो ये पॉवर रहेगा आपका पॉवर इनपुट पर फेज ऑफ द मोटर का फॉर्म्युला. और मेकेनिकल पावर इन द रोटर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, पीएम इज इक्वल टू ये इधर जाएगा सो पी माइनस आई ए स्क्वेयर आर ए पर फेज. ठीक है, ये रहेगी आपकी मेकेनिकल पावर इन द रोटर.
फॉर थ्री फेजेस, थ्री फेज के लिए मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव माइनस थ्री आई ए स्क्वायर आर। ठीक है, यहाँ पे रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या लिखा था अपने, पी का फॉर्मूला ये देखो यहाँ पे लिखा था रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव माइनस थ्री फेज के लिए ये आई ए आर ए आई ए स्क्वायर आर ए को थ्री से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। ये थ्री फेज, थ्री फेजेस के लिए मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला रहेगा मोटर का। ठीक है, तो ये होता है आपका पावर फ्लो विद इन अ सिंक्रोनस मोटर। तो इसकी पावर डेवलपमेंट का जो डायग्राम है, पावर फ्लो डायग्राम जिसको बोलते हैं हम, वो कैसे होता है यहाँ पे देखेंगे। द पर फेज पावर डेवलपमेंट इन अ सिंक्रोनस मशीन इज एज अंडर। तो कैसे कैसे पावर फ्लो होता है, देखो पावर इनपुट दिया हमने, पावर इनपुट पर फेज इन अ स्टेटर, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, P इज इक्वल टू वी आई ए कॉस फाइव। आप स्टेटर को इनपुट पावर मिलने के बाद वहां पे क्या होंगे आपके, स्टेटर कॉपर लॉसेस होंगे, तो आर्मेचर कॉपर लॉस या फिर स्टेटर कॉपर लॉस बोलते हैं हम उसको, आई ए स्क्वायर आर ए वहां पे होंगे। ठीक है, अभी स्टेटर का आउटपुट वहां वहां रोटर के लिए इनपुट रहेगा, सो दी मैकेनिकल पावर इन द आर्मेचर फॉर्मूला क्या रहेगा, पी एम इज इक्वल टू ई बी आई ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस फाइव। ठीक है, अभी मैकेनिकल पावर अगर आर्मेचर को मिल गई तो वहां पे आयन एक्साइटेशन एंड फ्रिक्शन लॉसेस होंगे और लास्ट में आपकी आउटपुट पावर मिलेगी आपको। ठीक है, तो ऐसे पावर फ्लो डायग्राम आपको सिंक्रोनस मशीन्स की ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ठीक है, नाउ द डिफरेंट पावर स्टेजेस इन सिंक्रोनस मोटर आर एज अंडर। जैसे हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पावर फ्लो डायग्राम देखा, बाद में आपने हमने अल्टरनेटर का पावर फ्लो डायग्राम देखा। ठीक है, इवन हमने टीएनई सब्जेक्ट में डीसी मोटर का पावर फ्लो, डीसी जनरेटर का पावर फ्लो डायग्राम भी देखा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में भी देखा है। ठीक है, तो हर एक मोटर में ये पावर फ्लो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो एसी इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू स्टेटर दैट इज आर्मेचर इज इनपुट पावर पी इन रहेगी आपकी। अभी इनपुट पावर स्टेटर को मिलने के बाद स्टेटर में स्टेटर कॉपर लॉसेस होंगे, बाद में ये ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप बाय इन द आर्मेचर, ये आपका पीएम होगा, पीएम की वैल्यू। बाद में ये आपके आयरन एंड फ्रिक्शन एंड एक्साइटेशन लॉसेस होंगे इसको आर्मेचर को पावर मिलने के बाद, और लास्ट में आपको मिलेगी नेट मैकेनिकल पावर आउटपुट एट द रोटर शाफ्ट दैट इज पी आउट। ठीक है, तो ये जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पावर फ्लो डायग्राम है, वैसे ही सेम है पावर फ्लो डायग्राम, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये है आपकी पावर फ्लो डायग्राम। ठीक है, एंड पावर विद इन अ पावर फ्लो विद इन अ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो आज के पॉइंट में हमने ये दो पॉइंट देखे, वी कर्व्स एंड इनवर्टेड वी कर्व्स एंड पावर फ्लो विद इन अ सिंक्रोनस मोटर और मशीन। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स में अगर किसी को डाउट्स है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर अगेन, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।